तो आज के हमारी इस क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे हैं लूप्स। लूप्स का क्या यूज है, हम आज हम इस पे बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक एक्सेल सीट है। अभी एक्सेल सीट में हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन ये कर रहे हैं कि लूप का यूज क्या होता है। जैसे कि एक छोटा सा मैं यहाँ पे डेटा बनाता हूँ, नेम सिटी और यहाँ अमाउंट, एक छोटा सा समझिए कि स्टिकर बना रहा हूं। और यहां पे हमने टोटल और यहां पे हमने सम, ठीक है। इसको हम कॉपी करके पेन ड्राइव पे ले जाओ। अब क्या है कि मुझे एक ऐसा माइक्रो बनाना है क्योंकि मुझे जरूरत होती है इसकी कॉपी पेस्ट करने की। हम उसको कॉपी करते हैं, यहां पे पेस्ट करते हैं ताकि स्टिकर बना सके। तो कभी 5 बार करना होता है, कभी 10 बार करना होता है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि जितना मैं बोलूं उतना बार ही कॉपी पेस्ट करे। तो चलिए इसके लिए हम माइक्रो क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम यहां इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स और यहां पे सब्जेक्ट लूप और यहां पे हम देते हैं सबसे पहले कि मुझे, अब यहां पे एरिया अलग हो सकता है, रेंज अलग हो सकता है, बट मैं यहां पे ए से लेके C7 तक ले लेता हूं। तो रेंज ए से लेके A1 से लेके C7 डॉट कॉपी। अब हमें पेस्ट कहां करना है, नीचे से ऊपर और यहां यहां पे 9 पे। तो यहां पे हम देंगे रेंज A65000 डॉट एन एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट यहां पे 2.1 डॉट पेस्ट स्पेशल और पेस्ट ऑल, ओके। अब जैसे कि इसको मैं पेस्ट करूंगा तो एक बार पेस्ट होगा। एक मिनट, मैंने यहां 1 कर दिया, हमें 0 करना चाहिए। यहां पे हम माइक्रोज में इसको हम पेस्ट करते हैं, यहां पेस्ट हो रहा है। लेकिन मुझे इसको 5 बार पेस्ट करवाना है तो किस लाइन को रिपीट करना होगा। अब लूप में आपको सबसे ज्यादा जो ये होता है कंफ्यूजन होती है, वो कंफ्यूजन ये होती है कि जो हम लूप्स यूज करेंगे उस लूप को हमें ये पता करना कितनी बार कौन से किसको लूप में डाला, किसको रिपीट करना। तो यहां पे आप देख रहे हैं आपके सामने इसको हम कॉपी करके इसको पेस्ट करेंगे, क्योंकि हम कॉपी तो हमारा एक बार होगा, पेस्ट में कई बार करने हैं ना, तो पेस्ट वाला जो कोड है वो हमारा रिपीट होगा। जी हाँ, पेस्ट वाले कोड को रिपीट करना। तो इसको हम लूप में डालेंगे क्योंकि एक एक लाइन लिखना डायनेमिक नहीं होगा। अगर 50 करने तो 50 पर कॉपी पेस्ट करना दिक्कत हो जाएगी। तो इसको लूप में डालेंगे कि 4i चले 1 to 5 और फिर यहां पे हम कर देंगे नेक्स्ट। तो 4 और i के बीच में जो भी लाइन ऑफ कोड होंगे उसको वो रिपीट करेगा इस टाइम पे। 1 से 5 कर दिया तो 5 यहां पे हो गया, फिर 5 बार रिपीट कर दिया, 15 बार करना है तो 15 बार रिपीट कर दिया। तो याद रखिएगा लूप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको ये पता लगाना कि किस कोड को रिपीट करना, उस कोड को लूप के अंदर डालना। अब जैसे 5 हुआ तो मैं यहां पे इनपुट बॉक्स लगा के ये कर सकता हूं कि प्लीज एंटर वगैरह, लेकिन फिलहाल मैं इसको छोड़ देता हूं, आप खुद कर लेंगे इसको। अब यहां पे आई क्या है इसको समझिए,
और नेक्स्ट का काम क्या है। देखिए आई है काउंटर, जैसे कि वेरिएबल आप लेते हैं ना एक्स वाई जेड डीम आर एज इंटीजर वगैरह, तो आई आई के जगह पे एक्स वाई जेड ए बी सी डी वन टू थ्री मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, एक वेरिएबल्स है, ये डालना मेरे हाथ में है आपके हाथ में। तो आई काउंटर है, एक काउंट रखता है कि इस लाइन को कितना बार वो रन कर चुका है। और नेक्स्ट क्या करता है, वो चेक करता है कि आई का जो वैल्यू है क्या वो हमारे मैक्सिमम से ऊपर तो नहीं है। अब इसको समझने के लिए मैं एफिट करता हूं, मतलब कि डिबग स्टेट इन्फो होता है, डिबग में एक एक लाइन बाय लाइन रन होता है, तो मैं एफिट प्रेस करूंगा तो इस शॉर्टकट इसका है। तो ये आपको देखिए इसने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद अभी जो है आई एम्प्टी है, ब्लैंक है, कुछ नहीं, लेकिन जब चला तो आई वन हो गया। फिर इसने इस कोड को रन किया, अब यहाँ पे नेक्स्ट ने चेक किया कि आई की जो वैल्यू है क्या फाइव से ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो ये बाहर निकल आएगा, नहीं कम है तो वापस और चलेगा। और इस बार देखिए आई जो है टू हो गया, क्योंकि तो काउंटर है, जैसे एक मान लीजिए ना कि जो कार रेसिंग होते हैं तो गोल गोल ही तो घूमते हैं, लेकिन लूप पूरा करते हैं ना कि हाँ इतने लूप, काउंटर होता है कि हाँ इसका इतना लूप हो चुका है, तो काउंटर है हमारा। थ्री आ गया, फोर आ गया, फाइव आ गया, अब फाइव आ गया, अब इसने चेक किया कि दोनों आपस में बराबर है, तो इसने यहां से बाहर निकल गया। तो लूप का काम यही होता है, लेकिन लूप जो है, लूप जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका एक अच्छा खासा यूज होता है, और इसके बगैर हम वीवीए मैक्रो की कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसे वीवीए प्रोग्रामिंग ही नहीं, आप जावा की बात कर लें, आप C++ सी की बात कर ले, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर ले, तो उसमें लूप तो होता ही है, राइट। अब लूप के और चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सीट नंबर थ्री की हम बात करें, तो मेरे पास मान लीजिए मुझे सीरियल नंबर लिखना 1 से लेकर 100 तक, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट आरा ब्रैकेट ओपन क्लोज, अब मैं यहाँ पे करता हूं कि 4i = चले 1 to 100, और फिर हमने यहाँ पे नेक्स्ट आई दी। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि रेंज, अब यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया a1 तो ये तो a1 ही फिक्स हो जाएगा ना हमारा, a1 = हमने यहाँ 1 कर दिया चाहे i कर दिया, तो ये तो a1 फिक्स हो गया, तो मुझे हर बार a2 a3 a4 5 दिखे, तो इसके लिए इसके साथ आप कंबाइन कर सकते हैं i। इससे क्या होगा, अब मैं इसको एफेक्ट करके प्रेस करके बताता हूं, इस बार देखा आई वन है, तो ए और वन मिलके क्या बन गया, a1, ये आपका a1 बन गया, और a1 पेज में देखिए यहाँ पे वैल्यू 1 डाल दिया। ऐसे नेक्स्ट किया तो यह इस बार 2 है, तो a और 2 को मिला के a2 हो गया। तो रेफरेंस को लेने में हम इसी का यूज करते हैं आई का, तो आई को हम इस तरह से टेक्स्ट में भी ले सकते हैं। अगर शीट्स की बात करें, जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी शीट्स हैं सबका नाम A1, A2, A3 इस तरह से कर दिया जाए, तो ऐसा किया जा सकता है। कैसे, तो मैं यहां पे सब्जेक्ट आरा /1 ब्रैकेट ओपन क्लोज, अब मैं यहां पे देता हूं 4i = चले 1 2 शीट्स डॉट काम नेक्स्ट। अब यहां पे हम शीट्स में भी सीक्वेंस ले सकते हैं कि शीट्स आई डॉट नेम = डेटा, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा आई। अब क्या होगा, सारे शीट का नाम डेटा 1 2 3 4 5 आपका लूप कर देगा, ओके। एकता जी, जितेंद्र जी, कुंदन जी और बाकी लोग हैं, क्या इसमें दिक्कत है आपको कोई? नो सर, इट्स ओके। अमित जी? नो सर। तो लूप, अब इसमें क्या होता है कि लूप दो होते हैं, दो तरह, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। आप लूप के बारे में जानते हैं, बेसिकली लूप का दो पार्ट होता है, पहला में आता है फोर लूप।
फॉर लूप में हम आई का इस्तेमाल करते हैं, फॉर आई या इंटीजर जो भाई वेरिएबल होते हैं, जिसमें हम देते हैं भाई 1 to 50 चले, 2 to 50 चले, जरूरी नहीं कि 1 से ही स्टार्ट हो, यहाँ 5 से भी, 10 से भी, 20 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है इच। इच में जैसे कि हमने अभी आपको दिया कि भाई वर्कशीट के लिए हम काउंट लगाया, तो इसमें यही हो सकता था, 4 इच लगा सकते हैं। इसमें हम ऑब्जेक्ट देते हैं, पर जितने सिलेक्शन है या जितना रेंज है या जितना फाइल है या जितना शीट्स है उस पे चले, तो ऑब्जेक्ट को काउंट करके उतना बार रिपीट करता है। दूसरा आपका आता है डू लूप, और डू लूप के भी 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है वाइल और दूसरा होता है अंटिल। तो इसमें क्या होता है कि डू में एक कंडीशन होता है, जैसे कि मान लीजिए हम इंटरनेट पेज ओपन करवा रहे हैं, हमें ये देना है कि जब तक मेरा इंटरनेट का पेज जो है वो रेडी ना हो जाए तब तक वेटिंग का कोड को रिपीट करता है, या एक फोल्डर में जितने भी फाइल है वो सब उठा ले। तो इसमें क्या है कि हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा लूप स्टार्ट कब हो रहा है एंड क्लोज कब हो रहा है, स्टार्ट कब हो रहा है और क्लोज कब हो रहा है, राइट। वहां पे हम डू वाइल और डू अंटिल का यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है सर। अब लूप में जरूरी नहीं कि सिंगल, हम लूप के अंदर भी लूप लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक रेंज है 10 से लेके 90 लेता हूं, और मैं देखना चाहता हूं कि भाई इसमें जितने भी नंबर्स हैं जो ग्रेटर देन 50 है उसकी एक लिस्ट यहां के कॉलम में आ जाए। तो इसमें रो कितना है, 19 है, कॉलम कितना है, तो कॉलम हमारा 7 है। तो यहां हम लूप लगाएंगे कि तो सॉरी यहां पे कंफ्यूजन हो रहा है, सब्जेक्ट। अब यहां पे हम 2 लूप लेंगे, पहला कि फोर आई इक्वल टू, आई की जगह पे आर भी कर सकते हो कि आर इक्वल टू चले 1 to 19, और फिर यहां पे हम लगाएंगे कि फोर सी की कॉलम इक्वल टू चले 1 to 7। अब यहां पे हम लिखेंगे इफ सेल्स, क्योंकि यहां रो एंड कॉलम दोनों नंबर में है, इसलिए हम सेल्स लेंगे, आर कॉमा सी डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 देन रेंज ए 65 डॉट एन एक्सलेस ऑफ डॉट ऑफसेट 1.0 डॉट वैल्यू इक्वल टू ये आपका वैल्यू। हमने सिंगल कंडीशन था इसलिए हमने इसको एक ही लाइन में लिख दिया, और फिर यहां पे हम कर देंगे नेक्स्ट जे रजन सी होगा सी, और फिर यहां पे नेक्स्ट आप। अब मैं इसको रन करता हूं मैक्रो में, और आ गए। तो इस तरह से हम मल्टीपल लूप का भी इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोग क्या करें, अपने हिसाब से मुझे लूप के 10 एग्जाम्पल भेजें।